हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रामलेखा सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट, सेमेस्टर वन का जो पेपर है हमारा कोर वन, जिसका नाम है CNC++, इसमें आज हम लोग सीखेंगे नया टर्म जिसको हम कहेंगे जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट। हम लोगों ने अब तक क्या देखा? लूप देखा हमने, हमने फॉर लूप बताया आपको, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम जरूर किए होंगे। अगर अगर आपने प्रोग्राम नहीं किया है अब तक, तो आप प्रोग्राम को करें ताकि आपका जो लूपिंग कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीन तरह का जो है जंपिंग स्टेटमेंट देखेंगे, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड गो टू। ओके, चलिए वन बाई वन करके देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक होता है क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये लूप के अंदर रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द लूप। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट जो मिलेगा जो स्टेटमेंट, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंट्रोल जो है वहाँ से लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो फर्दर जो एग्जीक्यूशन करने का था वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इसकी अगर हम सिंटैक्स देखेंगे, फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें अगर प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया स्लैश टी परसेंट डी आई, ये सिंटैक्स नहीं है, ये एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आई प्रिंट करेगा और फिर मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ आई इक्वल टू फाइव, राइट। तो क्या करें यहाँ पे, इफ आई इक्वल टू फाइव क्या करें, ब्रेक कर दें। तो ये हो गया हमारा एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। आप देखें यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे फॉर आई का वैल्यू वन से इनिशियलाइज हो रहा है, तो कंडीशन यहाँ चेक करेगा, ये आपको आता है अच्छे से, फिर यहाँ के प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू वन प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे देखेगा आई का फाइव से बराबर है, नहीं है, तो क्या करेगा, वापस जाएगा, आई टू होगा, इसी तरीके से टू प्रिंट करेगा, थ्री प्रिंट करेगा, फोर प्रिंट करेगा। फिर जैसे देखेगा आई का वैल्यू फाइव हो गया, तो क्या करेगा, ये वही यहाँ ना जाके क्या करेगा, ये ब्रेक में आ जाएगा, और जैसे ब्रेक में आएगा तो ये लूप के बाहर चला जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ आपने देखा, ये लूप के अंदर यूज़ किया जाता है, और जैसे ब्रेक स्टेटमेंट इसको मिलेगा तो क्या करेगा, ये लूप में फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये जो है ये भी लूप के अंदर ही यूज़ होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा, कि जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा तो ये क्या करेगा, वापस लूप में चला जाएगा, दैट मीन्स लूप के इनिशियल पॉइंट में चला जाएगा, और फिर से वो चलना शुरू हो जाएगा। कैसे, आप देखें यहाँ पे, मान लें हम यहाँ पे लिखे फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इफ आई इक्वल टू फाइव, तो क्या करें, ये कंटिन्यू करें, नहीं तो क्या करें, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ पे क्या करें, आई को प्रिंट कर दें, राइट। फिर यहाँ पे हम इसको जो लूप है यहाँ पे क्लोज कर दें। अब देखें आप यहाँ पे इसको ड्राई रन करें, आई का वैल्यू वन है, यहाँ कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ आया, ये मैच नहीं किया, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सही नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो एग्जीक्यूट कौन सा करेगा, प्रिंट एफ वन प्रिंट कर जाएगा। इसी तरीके से टू गया, टू थ्री फोर प्रिंट कर जाएगा, लेकिन जैसे आई का वैल्यू फाइव होगा तो क्या बोला, ये कंटिन्यू, तो कंटिन्यू मतलब वापस चला जाएगा, तो यानी इसको यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया, कंटिन्यू क्या करेगा, बाद वाला जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, वो पीछे चला जाएगा और लूप जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो लूप में कितना था, फिर से नहीं शुरू नहीं होगा, मतलब वो लूप में चला जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना था, फोर था, तो आई इस बार फाइव को प्रिंट करने नहीं दिया, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स हो गया ना, तो इस बार क्या करेगा, सिक्स लेके आएगा, तो फिर यहाँ सिक्स प्रिंट करेगा, सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो पैटर्न में हमारा फाइव प्रिंट नहीं हो रहा, तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम करने होंगे जहाँ पे हमें कुछ टर्म्स को, जो कुछ नंबर्स को है वहाँ पे हाइड करना हो, या कुछ ऐसा प्रोग्राम करना हो जिसमें कंटिन्यू की ज़रूरत होगी, तो हम वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल हमने आपको करके दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू स्टेटमेंट जो है ये लेबल बेस्ड पे काम करता है, इसमें लेबल चाहिए। बात करते हैं हम लोग गो टू स्टेटमेंट की। ठीक है, तो गो टू जो स्टेटमेंट है ये लेबल पे काम करेगा, जैसे गो टू लिखेंगे और लेबल है यहाँ पे सेमी कोलोन, और कहीं ना कहीं ये लेबल होना चाहिए, ताकि जो है ये जैसे यहाँ जंप करेगा तो ये लेबल में आएगा। ठीक है, जंप करे तो लेबल में आए। अब देखें यहाँ पे लेबल के बाद हमने क्या लिखा, ये कोलोन है और ये सेमी कोलोन है। ध्यान रहे, गो टू के साथ अगर लेबल होगा तो वहाँ पे सेमी कोलोन लगाएंगे, और अगर लेबल जो है उसका नाम जो भी होगा वहाँ पे कोलोन होगा।
इसको भी एक एग्जाम्पल से आपको हम दिखाते हैं, गो टू का एग्जाम्पल यहाँ देखें, वॉयड मेन, फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया int i, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ यहाँ पे हमने लिखा इंटर वैल्यू, ठीक है। scanf हमने कर दिया, scanf %d एम % आई में एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंट आई हमने लिखा, यहाँ पे पी भी कर दिया हमने, और पी को यहाँ पे एक लेबल बना दिया, ठीक है। आप देखे ध्यान से, हमने पी को लेबल बना दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन 5 तो क्या करें, गो टू पी, नहीं तो क्या करें, प्रिंट एफ %d आई को प्रिंट कर दें, गेट सी एच। अब आप देखें इस गो टू का यूज़ क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, क्या कर रहा है। मान लें आपने नंबर डाला इंटर वैल्यू, आपने नंबर डाला 4, तो आई में क्या चला गया, 4 हो गया, आई में वैल्यू असाइन 4 हो गया। अब चेक करा, अगर आई का वैल्यू 5 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करें, गो टू, तो 5 से तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, आई का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपने सेकंड नंबर टाइम इसको रन किया और आपने डाला 10, ठीक है, तो यहाँ चेक करेगा, इफ आई का वैल्यू जो है 5 से बड़ा है, 10 बड़ा है, तो क्या करेगा, गो टू पी, तो कहाँ चला जाएगा, फिर से गो टू पी में जाएगा और फिर से वैल्यू मांगेगा, यानी कि आपको इस प्रोग्राम में क्या गो टू क्या करने के लिए दे रहा है, कि अगर 5 से नंबर छोटा है तो ही प्रिंट करेगा, 5 से नंबर बड़ा को प्रिंट करने नहीं दे रहा। तो आपने देखा गो टू का यूज़ कैसे करते हैं, और गो टू जो है ये लेबल पे काम करता है, यहाँ पे ये लेबल है, लेबल का नाम, और एक लेबल का नाम हमने यहाँ डिफाइन किया। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट्स, दीज आर नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। अब हम अपनी जो लूपिंग प्रोग्राम में लूपिंग का यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करें, वहाँ पे भी हम ये सारे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सब मिला के प्रोग्राम जो है वो एडवांस और एफएसएल प्रोग्राम बनेगा, तो आप यूज़ करें इसका जितना हो सके। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट।